तो हम अगर बात करें फीमेल वजाइना की, तो इस टाइप से फीमेल वजाइना का टेक्सचर होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो इस टाइप से फीमेल वजाइना का टेक्सचर होता है, तो फीमेल की वजाइना में टोटल, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, फीमेल वजाइना में टोटल हैं, शादी होगी तो ऑब्वियसली आप फीमेल से शादी करेंगे, तो फीमेल्स की बॉडी के टेक्सचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने होल होते हैं, कौन से होल से आपको प्ले करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, इस टाइप की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के साथ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कई बार लड़कों के दिमाग में ये सवाल आता है, जो नए नए होते हैं, जो नए नए रिलेशनशिप में होते हैं ना, उनको जब वो पहली बार प्ले करने वाले होते हैं, सेक्स परफॉर्म करने वाले होते हैं, तो उनको दिमाग में ये सवाल आता है कि यार हम परफॉर्म कैसे करेंगे, कितने होल होते होंगे, कौन से होल में हमें प्ले करना है, कौन से में नहीं है, तो वो डरे हुए होते हैं और वो आके फिर कमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको समझा दी जाए कि आपको कौन से होल से प्ले करना चाहिए, कौन सा होल क्या काम आता है, ठीक है। तो हम अगर बात करें फीमेल वजाइना की, तो इस टाइप से फीमेल वजाइना का टेक्सचर होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो इस टाइप से फीमेल वजाइना का टेक्सचर होता है, तो फीमेल की वजाइना में टोटल 3 होल होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, फीमेल वजाइना में टोटल 3 होल होते हैं। अब आप सोचेंगे 3 होल होते हैं तो फिर प्ले कहाँ से करना है, सेक्स परफॉर्म कहाँ से करना है, हैं आप कंफ्यूज हो गए यार, ये थ्री होल कहाँ है, हमने तो आज तक एक ही होल के बारे में सुना था। इवन काफ़ी सारी लड़कियों को भी यही पता होता है कि हमारी बॉडी में एक ही होल होता है, तो ऐसा नहीं होता लड़कियों, आपकी बॉडी में 3 होल होते हैं, ठीक है, इसको आपको समझना है बारीकी से। तो मान लीजिए ये फीमेल्स की वजाइना है, तो वजाइना का जो मेन होल होता है वो इस जगह होता है, ठीक है, जो मेन होल होता है, तो मेन होल से सबसे पहले ऊपर एक छोटा सा बहुत बारीक होल होता है, बिल्कुल सुई देखी है आपने, तो सुई में जो धागा डालते हैं ना, वो वाली सुई जो उसका होल होता है ना, उससे भी छोटा एक होल होता है जो यूरियन पास करने के लिए होता है फीमेल्स की बॉडी में, जहाँ से यूरियन पास किया जाता है, और वो होल इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो दिखाई नहीं देता है, उसको आप देख ही नहीं सकते कि वो कहाँ होता है, ठीक है, उसको आप कोई नहीं देख सकते। जिन लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई करी है वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं, यानी जो डॉक्टर वगैरह हैं जो है ना, वो अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान उस होल को नहीं देख सकता, ठीक है। सेकंड होल की हम बात करते हैं, जो बीच में होता है वजाइना के, वो होता है मेन होल, वजाइनल होल जिसको हम बोलते हैं। वहाँ से एक फीमेल जब माँ बनती है तो वहीं से बच्चे को जन्म देती है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, और साथ ही साथ जब पेनिट्रेशन होता है, जब आफ्टर मेरिज, जब आप सेक्स परफॉर्म करेंगे तो उसी होल से करेंगे जो वजाइना के बीच में होता है, ठीक है, वो होता है सेक्स प्ले करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो होल होता है एनल होल, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कई बार मुझे आप लोगों के कमेंट मिलते हैं कि मैम हम सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमारा टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, हम जल्दी थक जाते हैं, या फिर हमें लंबा समय चाहिए लेकिन हम बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं नेचर मेनिया का ये लिफ्टअप कॉम्बो, काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है इनके ये दोनों, पहला है ऑयल एंड दूसरा है ये कैप्सूल्स एंड ये ऑयल आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। जिनको भी जल्दी थकान की प्रॉब्लम है, या उनका जल्दी हो जा रहा है, या फिर उनको लंबा समय चाहिए लेकिन वो कर नहीं पा रहे इतना, ठीक है, तो उन सबकी प्रॉब्लम्स का ये रामबाण इलाज है, ये बिल्कुल नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है इनको यूज करने से आपको। ऑयल की मसाज आपको 2 टाइम करनी है, ठीक है, अपने जो पार्ट होता है उस पर लगाइए, मसाज करिए 2 से 3 मिनट के लिए, देन उसके बाद आप रिलेशन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैप्सूल्स आपको डेली यूज करने हैं, डेली खाना है, कोई साइड इफेक्ट इनका नहीं होने वाला है। इनको बनाने के लिए जिन चीज़ों का यूज किया गया है वो अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, लौंग है, सतावर है, तो काफ़ी बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब है इनको मिलकर बनाया गया है, जो बिल्कुल नेचुरल होती है, जिनसे हमें साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये हमारी पावर को इंक्रीज करती है, हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करती है, ठीक है, इसको आप जरूर बाय करिए। नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। इनके वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से 3 होल होते हैं महिलाओं की वजाइना में, तो होप आप समझ चुके होंगे आपको कौन से होल में प्ले करना है। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि ये कितने होते हैं, कहाँ पर प्ले करना है, किस जगह करना है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।